गुड इवनिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही रेलवे ने एक बहुत अच्छी बहुत नॉवेल एक चीज को घोषित किया है। एंड व्हाट इज दैट नॉवेल थिंग, क्या है वो नई चीज? वो बार्टर सिस्टम के ऊपर है। बार्टर सिस्टम जानते हैं आप लोग? बार्टर सिस्टम होता है जब आप किसी चीज सामान को किसी भी चीज को बजाय कि पैसों से खरीदने के गुड्स से या सर्विसेज से एक्सचेंज करके, जैसे पुराने जमाने में होता था किसी ने किसी से गेहूं लिया तो उस दूसरे व्यक्ति ने उसे दाल दे दी, या किसी ने गेहूं लिया तो गेहूं के बदले कोई लोहे का सामान चाकू छुरी ऐसा कुछ दे दिया। ये सारी चीजें क्या है? ये बार्टर सिस्टम का हिस्सा है। तो पहले क्या होता था? पहले पैसा नहीं चलता था, पहले बार्टर सिस्टम ही होता था। बार्टर मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स। अब क्या करा है रेलवे ने, एक नई पॉलिसी लेकर आई है, अच्छी पॉलिसी है। देखते हैं पॉलिसी के अंदर क्या है। इसने जो बार्टर सिस्टम चालू करा है रेलवे ने, वो बार्टर सिस्टम चालू करा है कंपनीज के लिए। अब वो कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज को एड देने का मौका मिलेगा रेलवे के अंदर। कंपनीज जब एड देंगी रेलवे के अंदर तो अपने गुड्स या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए। ऐसे में कंपनीज का क्या फायदा होगा? कंपनीज का यह फायदा होगा कि उनको पब्लिसिटी मिलेगी। लाखों लोग उसमें ट्रैवल करते हैं ट्रेन के अंदर, आज भी हिंदुस्तान में लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों को पब्लिसिटी मिल जाएगी। और यहां पर आपके रेलवे का क्या फायदा होगा? उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों का फायदा रहेगा। लेकिन अहम बात यह है कि यहां पर एक आम नागरिक एक पैसेंजर का क्या फायदा होगा? चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, अभी हम इस पर कुछ भी डिटर्मिनिस्टिक तरीके से कह नहीं सकते, लेकिन चांसेस ये हैं कि गुड्स और सर्विसेज बेहतर मिलने लगेंगी पब्लिक को। पर देखते हैं, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज आती हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज होती हैं, नॉवेल होती हैं, इनोवेटिव होती हैं, पर उनका इंप्लीमेंटेशन जो उनका कार्यान्वयन होता है वो बिगड़ जाता है। उसके बिगड़ने के चलते कब पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं आती। खैर ये मुद्दा कभी और के लिए, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिसी है क्या और किस तरीके से रेलवे इसको इंप्लीमेंट करने का सोच रही है। आइए देखते हैं। अब जो ये बार्टर सिस्टम है जो रेलवे ने चालू करा है, ये अपने तरीके का पहला ही एक प्रयोग है। यहां पर गुड्स और सर्विसेज दोनों ही कंपनीज ला सकती है, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या पहले से ही गुड्स और सर्विसेज आएंगे? तो नहीं, जवाब है नहीं। पहले केवल और केवल गुड्स में यह चीज खोली जाएगी, धीरे धीरे करके इसको सर्विसेज में देखा जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी एक ट्रायल फेज है इसका। अभी ट्रायल लेने के बाद यदि यह चीज अच्छे से काम करती है, यदि इसमें कोई समस्या नहीं आती, तब क्या होगा? तब गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी लगा देंगे। तो क्या आपकी सारी ट्रेन्स पूरी तरीके से एडवर्टीजमेंट से भरी पड़ी होंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इन लोगों ने मैक्सिमम साइज डिसाइड कर दिया है, वो है 6x6 इंच का एक बॉक्स। अब वो 6x6 इंच के बॉक्स से ज्यादा बड़ा आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, कोई कंपनी होगी तो भी। और वो एडवर्टीजमेंट लगेगा कहां? क्या आप ट्रेन में हर जगह उसे चिपका सकते हैं? नहीं, आप हर जगह नहीं चिपका सकते। फिर से तो आप कहां चिपका सकते हैं वो? आप या तो टॉयलेट के अंदर, जो ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स रहते हैं उसके अंदर आप एक लगाएंगे साइनेज बोर्ड, या फिर जो एग्जिट डोर रहता है, जो बाहर निकलने का रास्ता रहता है, वहां पर आप एक लगाएंगे साइनेज बोर्ड। अच्छा, वो साइनेज बोर्ड की खासियत क्या है? वहां पर ये जो गुड्स मिल रहे हैं वो किसकी कर्टसी से मिल रहे हैं? मतलब मान लीजिए कि आपको साबुन वहां पर दिया जा रहा है किसी XYZ कंपनी से, तो लिखा होगा कर्टसी XYZ। तो एक साइनेज बोर्ड से ये होगा कि ये कंपनी हमें ये प्रोडक्ट यहां पर दे रही है, इससे भी पब्लिसिटी मिलती है काफी। तो इस तरह से कंपनी का मुनाफा हो। अगला सवाल ये आता है कि इस चीज को ड्राफ्ट किसने किया है? तो रेलवे बोर्ड का एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन सेल ने इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है, और इसके लिए डायरेक्टिव 27 दिसंबर को ही सारे जनरल मैनेजर्स को पहुंच चुके हैं कि अब हमें ये वाली पॉलिसी ट्रायल बेसिस पर इंप्लीमेंट करना है। अब देखते ये है कि ये इंप्लीमेंट होगा कैसे। तो एक CDO होता है। CDO क्या होता है? कोच डिपो ऑफिसर। क्या होता है CDO? आपका कोच डिपो ऑफिसर। ये क्या करेगा? जब भी इसे कोई ऑफर कोई कंपनी देगी तो ये उस ऑफर को वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। अब ये कितने टाइम के लिए पब्लिश होगा? ये 21 दिन के लिए पब्लिश किया जाएगा। अब पब्लिश होने के 21 दिन के अंदर और जो कंपनीज रहेंगी उन्हें भी मौका मिलेगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट अगर जा रहा है वहां पर तो हम लोग भी जो अपना प्रोडक्ट है उसको पिच करके देखें। तो सबको बराबर का मौका मिलेगा। ऐसे में बराबर के मौके मिलने के बाद, वो 21 दिन का समय पूरा हो जाने के बाद, CDO किसी भी कंपनी को वो ऑफर दे सकता है कि भाई आइए आप अपना एड लगाइए। अच्छा, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन दो तरफा है। एक कि किसी भी ट्रेन के अंदर
चार थीमैटिक प्रोडक्ट, थीमैटिक प्रोडक्ट मतलब किसी थीम के ऊपर आधारित चार थीमैटिक प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं एडवर्टाइज होंगे किसी एक ट्रेन में एक बार में। दूसरा, सीडीओ केवल दो ट्रेन को एक डिपो में अलाउ कर सकता है और इस तरीके से हर डिपो में वो दो दो ट्रेन को अलाउ कर सकता है। इस दो दो ट्रेन के लिए समय कितना रहेगा, कितने टाइम के लिए अलाउ कर सकता है सीडीओ, वो अलाउ कर सकता है 3 महीने के लिए पूरा। तो यहां पर जब सीडीओ के अलाउ करने की बात आती है तो एक और सवाल उठता है छोटा सा, क्या सीडीओ कहीं कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेकर कहीं किसी ऐसी चीज में फंस कर कहीं ऐसा कुछ काम तो नहीं कर देगा जहां पर कि अपने फायदे के लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है? तो देखिए, ये देखने वाली बात है आगे कौन सा कैसा सीडीओ कहां पर है, कितने अच्छे से आप काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। एथिक्स की बात इसमें डेफिनेटली इस तरह से आती है कि करप्शन के लिए एवेन्यूज खुल भी रहे हैं लेकिन एक तरफ बहुत नॉवेल काम भी हो रहा है। अब ये पॉलिसी के अंदर हम लोग एज सच ऑन द फेस ऑफ इट कमी एकदम से नहीं निकाल सकते और इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसके जब अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ कुछ लूपहोल्स हैं जहां पर थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करा जाए और इंप्लीमेंट करा जाए तो शायद हम बेहतर नतीजे की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये था आपका रेलवे का बार्टर सिस्टम, जो रेलवे ने बार्टर सिस्टम अभी डेवलप किया है, नया है, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है। तब तक अगर आप इंग्लिश में ये वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आ रहे लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और वो पूरा वीडियो इंग्लिश में बना हुआ है। ये वाला वीडियो जो हिंदी स्पीकिंग है या जो इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं फिर से।